जय हिंद जय भारत दोस्तों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी प्री एग्जाम रामबाण श्रृंखला में जबलपुर में जन्मे कुछ चर्चित लोगों की, चर्चित व्यक्तित्व की। जबलपुर जिसे द सिटी ऑफ मार्वल कहा जाता है, जिसे संस्कारधानी कहा जाता है और जिसे कहते हैं जावाली ऋषि की कर्मस्थली के कारण जावालीपुरम भी कहा जाता है। उस जावालीपुरम द सिटी ऑफ मार्वल संस्कारधानी जबलपुर में जन्मे कुछ चर्चित और कहते हैं महान व्यक्तित्वों की चर्चा हम करेंगे, बड़े व्यक्तित्वों की चर्चा हम करेंगे। ध्यान रखना, हाँ कुछ लोग जन्म वहां नहीं लिए लेकिन उन्होंने जबलपुर का नाम बहुत किया, वो उनकी कर्म स्थली थी। उनमें सूरजनीस का नाम भी आता है, रानी दुर्गावती का नाम भी आता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम भी आता है और कुछ समय के लिए सुभाष चंद्र बोस की भी कर्मस्थली रही थी ये जबलपुर, लेकिन इनका जन्म जबलपुर में नहीं हुआ था। ध्यान रखना, जबलपुर में जन्मे अगर हम सबसे पहले बात करें तो सेठ गोविंद दास, जो हमने लिख रखे हैं, सेठ गोविंद दास भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाने वाले गांधीवादी नेता कहते हैं, साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे ये सेठ गोविंद दास। और इन्हीं के आगे चल के ये जबलपुर के सांसद भी बने और इन्हीं के उत्तराधिकारी थे राजनीति में शरद यादव, वर्तमान राजनीति में भूमिका निभाने वाले, हालांकि कुछ वर्ष पहले इनका निधन हुआ। जनता पार्टी से जुड़े हुए शरद यादव, जो कि बिहार की राजनीति में, भारतीय केंद्रीय राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन उनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। शरद यादव के बाद आ जाते हैं आपके रघुवीर यादव, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये रघुवीर यादव सिनेमा के क्षेत्र में हैं, रंगकर्मी हैं, अभिनेता हैं, ध्यान रखना अभिनेता हैं, और ये अभिनेता जिन्हें आपने पंचायत सीरीज में कहते हैं सरपंच जी के रूप में देखा होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में भी ये थे, मुल्ला नसरुद्दीन सीरियल जो बना था उसमें भी ये रघुवीर यादव थे। ध्यान रखना, ये रघुवीर यादव भी जन्मे कहाँ पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, अभिनेता रघुवीर यादव। फिर आते हैं कहते हैं अमिताभ बच्चन की पत्नी, जिनका पहले नाम था जया भादुड़ी, जिनका नाम वर्तमान में है जया बच्चन, वो भी जन्मी मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के जबलपुर में उनका जन्म हुआ। और एक और व्यक्ति जो मॉडल है, अभिनेता है, वो अर्जुन रामपाल भी जन्मे हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो सिनेमा के क्षेत्र में भी जबलपुर का कम योगदान नहीं है। ध्यान रखना, राजनीति के क्षेत्र में सेठ गोविंद दास देखे, शरद यादव हमने देखे, और सिनेमा के क्षेत्र में रघुवीर यादव देखे, अर्जुन रामपाल देखे और जया बच्चन को हमने देखा। लेकिन कहते हैं साहित्य, चित्रकला और पर्यावरण के क्षेत्र की एक बड़ी पर्सनालिटी है अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कहते हैं साहित्य के क्षेत्र में योगदान निभाने वाले, मुख्य रूप से उपन्यासकार के रूप में कार्य करने वाले कहते हैं अमृतलाल बेगड़। कहते हैं ये अमृतलाल बेगड़ ने पर्यावरण के क्षेत्र में भी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नर्मदा के संरक्षण के क्षेत्र में, नर्मदा नदी के संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पर्यावरणविद अमृतलाल बेगड़ का जन्म भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। और सबसे अंत में कहते हैं जबलपुर का नाम करने वाले विश्वविख्यात जादूगर आनंद, जादूगर आनंद की बात हम कर लेते हैं। तो जादूगर आनंद, तो ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे कुछ लोग। लेकिन ध्यान रखना, हमने शुरू में भी कहा था कुछ लोगों का नाम जबलपुर से जुड़ता है लेकिन वो उनकी जन्मस्थली नहीं है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है ओशो रजनीश का। ध्यान रखना, ओशो रजनीश जिनका जन्म रायसेन कुचवाड़ा में हुआ था, मध्य प्रदेश में ही जन्मे हैं लेकिन उनकी कर्मस्थली जबलपुर थी। ऐसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान जो प्रयागराज इलाहाबाद में जन्मी, उनकी भी कर्मस्थली जबलपुर। रानी दुर्गावती जिनकी समाधि बरेला जबलपुर में है लेकिन उनका जन्मस्थल भी जबलपुर नहीं है। कुछ समय के लिए त्रिपुरी संकट के दौरान कांग्रेस के 1949 के
अधिवेशन के दौरान जबलपुर कर्मस्थली सुभाष चंद्र बोस की भी रहा था, लेकिन वो उनका जन्म स्थल नहीं है। तो ये थे मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में जन्मे कुछ लोग और कुछ लोगों की कर्म स्थली जबलपुर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।